प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र जीत सिंह और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार गुप्ता ने आज मेंढर का दौरा किया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे बात की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेंढर में आया हूँ और यहाँ जो हमारा मेंढर का मंडल है उन्होंने मेरा स्वागत किया है और मैं यहाँ पर जो हमारी जिला कार्यकारिणी की पूछ की है उसके बाद यहाँ आए हैं। यहाँ आके लोगों के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा और साथ ही जो यहाँ की जो समस्या हैं जो मुश्किलें हैं वो सब अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी लेके हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। जो हल हो सकता है वो भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और आने वाले जो हमारे चुनाव हैं उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे ताकि ये जो मेंढर की सीट है ये भी भारतीय जनता पार्टी जीते। इस सब की देखरेख इस सब की कार्रवाई के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ और इसके बाद भी रेगुलर जो दौरे हैं वो हमारे और नेताओं के भी यहाँ पर होंगे जिससे हमारा मेन काम यह है पार्टी को संगठन को मजबूत करना और हमारे जो मेंढर के प्रभारी हैं प्रदेश के स्पोक पर्सन सुनील गुप्ता जी भी मेरे साथ हैं। बाकी यहाँ के सब कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये स्वागत किया और अब इसके बाद हम बैठ के कुछ अपनी मीटिंग डिस्कशन और आने वाले आगे हमने कैसे संगठन को मजबूत करना है चलाना है उसके ऊपर हम बातचीत करें। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार वरिंदर जी सिंह जी पहली दफ़ा मेंढर के अंदर आए जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इनका आने का मेन उद्देश्य यही है कि पार्टी को कैसे ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया जाए और पार्टी के आने वाले जो चुनाव हैं और आने वाले जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उसके लिए तैयार किया जाए, जिसके लिए इन्होंने पिछले 3 दिन से पुंछ जिले का प्रवास किया है। सुरकोट पुंछ में भी एक बड़ी मीटिंग हुई, हमारी जिला कार्यकारिणी हुई, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और आज मेंढर में आकर अपने वर्करों के साथ बैठकर उनका मनोबल भी बढ़ा रहा है और कोरोना के बाद आज हम पहली दफ़ा मिले हैं और उसके बाद जो पार्टी के कार्यक्रम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाना है। मैं वरिंदर जी सिंह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 3 दिन से ये पूरे पुंछ जिले का प्रवास कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर जो हमारी समस्याएं हैं जो पिछले 3 महीने से काम रुके हुए हैं, जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं उन कामों को भी कैसे गति दी जाए डेवलपमेंट की और जो परेशानियां हैं बिजली है पानी है और परेशानियां उनको भी लेकर आगे जाना है। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने पूरा समय देकर लोगों की परेशानियों और बातें सुनने के लिए हमारे बीच में है। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया जय। आज हमारे बीच श्री वरिंदर सिंह जी जो प्रभारी हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंढर के हैं उनके साथ हमारे सुनील गुप्ता जी हाजी लियास साहब और मंडल प्रधान संदीप गुप्ता जी हमारे श्री धर्मेंद्र कुमार टंडन जी सीताराम शर्मा जी और पूरा मंडल मेंढर का जो है आज हम श्री वरिंदर सिंह जी का भारी तालियों के साथ स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वरिंदर सिंह जी ने हमारे बीच आकर के हमारी जो पार्टी की समस्या है आने वाले कल जो इलेक्शन आ रहे हैं उनके बीच में हम पूरा संजोग देंगे और वरिंदर सिंह जी का ये कहना है कि मेंढर के अंदर मेंढर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के और अपने जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उस पर निकालेगी। हम भी एक कोशिश करेंगे कि हिंदू मुसलमान मिलजुल करके जो 70 साल की सरकारें हैं उनको उखाड़ कर फेंक करके हमने एक नया चेहरा मेंढर के अंदर लाना है जो समाज की सेवा करेगा और गरीबों का दुख दर्द समझेगा हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी और पूरा मंडल मेंढर का। हम चाहेंगे अच्छे चेहरे सामने आए ताकि देश की हमारी तहसील की हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरक्की हो। जो बेरोजगारी है इस पर भी हम बात करेंगे चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता हाजी लियास साहब में सभी बैठेंगे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम आपसे मीडिया अपराध का भी हम धन्यवाद करते हैं जो जाना पहचाना हमारे साथ चलते हैं। एक बार फिर हम रविंद्र सिंह जी का दोनों हाथ जोड़ करके अपनी ओर से अपने मंडल की ओर से पार्टी की ओर से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद भारत माता की जय। R9 भारत के लिए विशाल बसीन की रिपोर्ट मेंढर।